Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great and are safe at your end. So, पिछले lecture में जो हमने चीजें discuss की थी, they were very basic things regarding law, ठीक है? कि law बनता कैसे है, what is the procedure, meaning क्या है law का, and most importantly, law पढ़ना क्यों necessary है. So, ये basic चीजें हमने पिछले lecture में discuss की थी, and in today's session we'll be discussing about the Indian Constitution. उसके बाद why is it named as Parent Act? उसको Parent Act क्यों कहते हैं? Mercantile law क्या होता है? Mercantile law का definition and what are the various acts which are covered under the concept of mercantile law? उसके बाद we'll be seeing कि act का definition क्या है and what is the procedure to make an act. अभी सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि मर्केंटाइल लॉ का लेक्चर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है. सो व्हाट इज द रेलेवेंस, मतलब कनेक्टिविटी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मर्केंटाइल लॉ? अलग अलग चीजें होने के बावजूद भी हम क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं मर्केंटाइल लॉ के लेक्चर में? सो बेसिक चीज आपको ये समझनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेरेंट एक्ट है. पेरेंट एक्ट का मतलब क्या कि आपके जितने भी लॉज है, जितने भी करंट लॉज है, व्हेन आई एम टॉकिंग कि जितने भी, आई मीन जितने भी करंटली एप्लीकेबल लॉज, फिर वो चाहे आपका मर्केंटाइल लॉ हो, फैमिली लॉ हो या कोई और लॉ हो, वो सारे के सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं. अभी ये कैसे? आप बोलोगे कि मैम मर्केंटाइल लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है तो हम मर्केंटाइल लॉ क्यों पढ़ते हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. देखो, मर्केंटाइल लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है. इसका मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1G, विच हैज गिवन फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है? मतलब उसने अपने सिटीजन्स को फ्रीडम दिया है कि वो अपने चॉइस का ट्रेड और प्रोफेशन चूज कर सके, सिलेक्ट कर सके और उसमें प्रैक्टिस कर सके. तो ये है आपका मर्केंटाइल लॉ का टैगलाइन. अभी आप बोलो कि मर्केंटाइल लॉ का टैगलाइन मतलब ये कि आपका मर्केंटाइल लॉ इसी के ऊपर बेस्ड है सारा, आपके ट्रेड के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपके कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर, इजंट इट? मर्केंटाइल लॉ का मतलब क्या है? ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को देखना, ठीक है? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आपको सिर्फ एक छोटा सा टैगलाइन दे देता है एंड व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उसके ऊपर सारे रेमेडीज बनाने हैं, कंपेंसेशन के बारे में सोचना है, विक्टिम को जस्टिस कैसे दिलाना है, अगर अक्यूज्ड कोई है तो उसने सच में वो गलत काम किया था क्या, वो रिकॉग्नाइज करना है. ये सारी चीजें फिर जो है वो आपका स्पेसिफिक लॉ है वो डिस्कस करता है, वो दिखाता है. सो जब हम मर्केंटाइल लॉ की बात करते हैं ना, तो आगे मर्केंटाइल लॉ में भी यही सारी चीजें दी गई है कि जो आप ट्रांजेक्शन करते हो वो वैलिड है या नहीं है, आप अगर कॉम्पेंसेट करना है अगर विक्टिम को तो उसका अमाउंट क्या होना चाहिए. सो ये सारी चीजें फर्दर डिस्कस की गई है मर्केंटाइल लॉ में, लेकिन ये अडॉप्ट कहाँ से किया आपने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. वैसे आपके बाकी सारे लॉज के लिए भी यही कंसेप्ट अडॉप्टेड रहता है, इसीलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? पेरेंट एक्ट कहते हैं. आपके जितने भी लॉज है, करंट लॉज जितने भी इंडिया में है, वो सारे के सारे आर टेकिंग बर्थ फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अभी अगर मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताऊं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट वॉज स्टार्टेड इन 1946. इसका मतलब क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ड्राफ्ट कमिटी बिठाई गई थी, ठीक है, which was headed by Dr. Baba Saheb Ambedkar, ठीक है? Baba Saheb Ambedkar was the head of that drafting committee, और उनके अलावा उसमें कुछ लोग थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कैसे है इसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है? उन्होंने बहुत सारे अलग अलग नेशंस के लॉज को रेफर किया और फिर एकजुट होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया और 3 साल में, only in 3 years, the constitution is ready. मतलब 1946 नवंबर में शुरू किया और 1949 के नवंबर में they were done with the Indian Constitution. Can you believe? मतलब अगर आज के डेट में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करूं और उसको इंटरप्रेट करूं तो 3 साल इज अ वेरी लेस नंबर.
बहुत कम टाइम है कि मैं उसको इंटरप्रेट भी करूं, अच्छे से पढ़ू भी, नॉट पॉसिबल. लेकिन उस वक्त विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजिटल मीडिया, डिजिटल नॉलेज, व्हाट दे डिड, दे मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 years. मतलब कैन यू बिलीव कि व्हाट लेवल दे हैड ऑफ एक्सपर्टीज, कितने एक्सपर्ट्स थे वो लोग. एंड नॉट ओनली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लेकिन उनके साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स थे. मतलब सबने मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और प्रेजेंट क्राइसिस को नहीं लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था. ठीक है, सो 26 जनवरी 1950 ये डेट है. ठीक है, देखो मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मैंने लिखा है 26 जनवरी 1950. ये डेट को इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ, विच इज ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक डे. ठीक है, इस दिन से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में एप्लीकेबल हो गया. सो ये थी बेसिक डिटेल्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट वॉज मेड एंड कैसे वो एप्लीकेबल हुआ. एंड अभी मैंने आपको बता दिया कि वो पेरेंट एक्ट कैसे बना है, वाई इज इट नोन एज पेरेंट एक्ट. अभी अगर फर्दर हम आते हैं तो आपके जितने भी लॉज बनते हैं, ठीक है, जितने भी लॉज बनते हैं दे शुड बी इन रिगार्ड्स विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब क्या कि अगर आप मर्केंटाइल लॉ बनाते हो ना, तो वो ऐसे बनाओ कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, उसके प्रोविजंस के साथ ही पैरेलल चलना चाहिए. ठीक है, यू कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इज अल्ट्रा वायरस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा वायरस? अल्ट्रा वायरस मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज्ड नहीं होना चाहिए कोई भी लॉ जो आप बनाते हो. तो भले फिर वो आपका मर्केंटाइल लॉ हो, टॉर्ट हो, ठीक है, क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, फैमिली लॉ हो, कोई भी लॉ जब आप बनाते हो, इट कैन नॉट बी अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट शुड ऑलवेज बी अंडर द प्रोविजंस मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इज इट नोन एज पेरेंट एक्ट. अभी नेक्स्ट देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने बोला अब आएगा मर्केंटाइल लॉ, और वैसे ही जितने भी बाकी लॉ है वो सारे कहाँ आएंगे? दे विल बी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आता है, उसके बाद आपका आएगा मर्केंटाइल लॉ, क्योंकि इट इज टेकिंग बर्थ फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी अगर बात करें मर्केंटाइल लॉ की, सो व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल लॉ? मर्केंटाइल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ, एक ऐसा लॉ है जो कि डील करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो अराइज होते हैं मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन से. ठीक है, मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन से जो कॉन्ट्रैक्ट्स अराइज होते हैं उसको डील करता है मर्केंटाइल लॉ. अभी अगर बेसिक में आपको इसमें से पूछूं कि मर्केंटाइल का मतलब क्या है, मर्केंटाइल लॉ तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल? मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल मीन्स अ थिंग, अ लॉ विच डील्स इन टू ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री. एक ऐसा लॉ जो डील करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में. सो व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ? इट इज द लॉ विच डील्स इनटू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, अभी ये लॉ जो है वो फर्दर किस में डील करता है? वो फर्दर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करता है जो कि आपके मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन से अराइज होते हैं. अभी मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन मतलब कौन से? वही ट्रांजेक्शन जो कि होते हैं ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड. लेकिन कौन से लोगों के बीच में होने चाहिए? वो ऐसे लोगों के बीच में होने चाहिए कि जो लोग भी मर्केंटाइल पीपल है. अभी अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल पीपल? इट इज नथिंग अदर देन पीपल हु आर इटसेल्फ इनटू द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर मुकेश अंबानी इज मेकिंग एनी काइंड ऑफ डील मिस्टर टाटा, तो ये क्या हो गया? ये मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन हो गया. क्यों? क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं ट्रेड, कॉमर्स या इंडस्ट्री की, प्लस दे आर ऑल्सो मर्केंटाइल पीपल. ठीक है, अभी इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा उसको डील करता है, उसको रेगुलेट करता है आपका मर्केंटाइल लॉ. और उनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होंगे ना ये कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब मिस्टर मुकेश अंबानी के और मिस्टर टाटा के जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, उसको रेगुलेट करता है मर्केंटाइल लॉ. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाउ मर्केंटाइल लॉ वर्क्स. ठीक है, सो टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल लॉ? मर्केंटाइल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ विच डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट्स arising out of mercantile transaction made between two or more mercantile people
where the rights and duties are arising out of the mercantile transaction made. Is it clear? यहां तक जो भी मैंने बताया, is it clear? So, moving on to next thing. अभी अगर next चीज के बारे में discuss करते हैं, तो है mercantile law में कौन से acts covered है? तो mercantile law में आता है आपका Indian Contract Act 1872, Indian Partnership Act 1932, Sale of Goods Act 1930, Negotiable Instruments Act 1872, Companies Act 2013 और बहुत सारे हैं, लेकिन आपके foundation के syllabus में ये acts covered है जो आपको पढ़ने हैं relating to mercantile law. ठीक है? So सबसे पहले before moving with these acts, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि what do you mean by an act? क्योंकि देखो आप अगर ये सारे acts को देखते हो तो इनमें आखिर में सब में act 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 ये लिखा गया है. तो आपको ये शब्द का मतलब पता होना बहुत necessary है, क्योंकि आगे जब भी आप law में कोई भी act देखते हो तो उसमें act करके ही pronunciation किया जाता है, act mention रहता है. तो आपको अगर act का ही मतलब नहीं पता है तो आप उसको interpret ही नहीं कर पाओगे. So what is an act? अभी सबसे पहले ये चीज समझो कि एक्ट लिखते कैसे है. देखो जैसे मैंने स्क्रीन पे पीपीटी में दिखाया गया है वैसे ही आपको एक्ट को लिखना है. देखो एक्ट जब आप लीगल लैंग्वेज में बात करते हो, इट इज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब एक ऐसा लॉ जिसको लेजिस्लेशन ने पास किया गया है, लेजिस्लेटिव बॉडीज ने पास किया गया है, पार्लियामेंट से अप्रूवल मिला है, वो ही एक्ट बन सकता है. ठीक है? और हमेशा याद रखना जब भी आप कोई भी लॉ का नाम लिखते हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ए जो है शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल. ठीक है? ए हमेशा जैसे मैंने स्क्रीन पे दिया है ए कैपिटल, वैसे ही आपको लिखना है. आप ए को छोटे इसमें नहीं लिख सकते, आपको ए को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में आप ए को नहीं लिख सकते. इज इट क्लियर? क्यों अभी आप स्मॉल लेटर में छोटे लेटर में ए को क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. अभी देखो इंग्लिश, मतलब अगर हम ग्रामर सेंस में बात करें, ग्रामेटिकल नेचर में बात करें, तो अगर आप जब छोटा ए लिखते हो ना, स्मॉल लेटर्स में ए लिखते हो, तो उसका मतलब होता है एक्शन वर्ड. ठीक है? एक्शन वर्ड आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ग्रामर में. व्हाट इज एन एक्शन वर्ड? इट इज अ वर्ब. तो एक्ट क्या है? एक्शन वर्ड है. तो हम इंग्लिश को यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे लीगल लैंग्वेज में बात करेंगे. ठीक है? सो इट इज मेड दैट वेन एवर यू राइट अ नेम ऑफ एक्ट, यू हैव टू राइट ए इन कैपिटल लेटर्स ओनली, वरना वो आपका पूरा हेडिंग ही गलत हो जाता है. ठीक है? सो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि ए शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर. ठीक है? उसके बाद व्हाट इज एन एक्ट? इट इज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो कि लेजिस्लेटिव बॉडीज पास करते हैं. अभी उसका प्रोसीजर हम नेक्स्ट इसमें देखने ही वाले हैं. ठीक है? इज नॉट एन एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड नहीं है लॉ, नहीं है एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है. और पास कहाँ पे होता है? ये पार्लियामेंट में. अभी ये जो नीचे मैंने दिया गया है बॉक्स में जो दिया है वो फर्दर के स्क्रीन पे हम डिस्कस करेंगे. देखो अभी प्रोसीजर क्या है एक्ट बनाने का. एक्ट बनता कैसे है ये तो पता होना चाहिए ना आपको. एक्ट का डेफिनेशन आपने देख लिया कि एक्ट का मतलब क्या है, लेकिन बनता कैसे है ये भी तो आपको पता होना चाहिए. तो देखो एक्ट बनता कैसे है. अभी देखो एक रूल बुक बनाया जाता है. मतलब क्या होता है, जब भी देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट का एग्जांपल दूं, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि एशियन टाइम्स में ये व्हीकल्स जो आज की डेट में है वो नहीं थे. मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? हॉर्स कार्ट था, बुलक कार्ट था. ठीक है? कैमल्स थे, ये जो भी एनिमल्स थे उसको हम यूज करते थे एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो तभी आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि एक्सीडेंट की वजह से कोई मर गया. ऐसा होता ही नहीं था कि दो सामने बुलक कार्ट्स आ गए, एक्सीडेंट हो गया, बुलक कार्ट भी मर गई और उसमें जो इंसान था वो भी मर गया. हैव यू रियली हर्ड दैट? नो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था. लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप्ड होते गया वैसे वैसे व्हीकल्स आते गए. ठीक है? और व्हीकल्स के इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, लोगों के एक्सीडेंट्स होने लगे. अभी एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, किसके नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर ऑफ हाउ एक्ट इज मेड. हमारा कंसर्न क्या है कि व्हीकल्स आने के बाद एक्सीडेंट्स बढ़ गए. ये जो करंट गवर्नमेंट था उस वक्त, उसने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और प्लस जो इंसान विदाउट मिस्टेक
एक्सीडेंट में मारा जाता है, विदाउट फॉल्ट मारा जाता है, उसका उसका जस्टिस, उसके जस्टिस का क्या, उसको कॉम्पेंसेट कैसे करना है, सामने वाले की जिसकी गलती थी उसको आप कैसे पनिश करोगे, इसके लिए एक लॉ होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए। तो क्या किया फिर, आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट उन्होंने बनाने का सोचा। अभी क्या उनके दिमाग में पहले से प्लान था क्या कि उसको हेडिंग हम मोटर व्हीकल्स देंगे, उसमें ये करेंगे और ऐसे लोगों को पनिश करेंगे, क्या उनके दिमाग में ये पहले से प्लान था क्या? नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई, ठीक है, एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई। अभी एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? इट कैन बी पीपल हु आर डीलिंग इन टू लॉ विथ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10-15 years, ठीक है, मतलब जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनकी एक कमिटी बनाई। उनको बोला गया कि भैया ये हमारे प्रॉब्लम्स है, आपको इसको सोल्यूशन के तौर पे एक लॉ बना के हमको देना है, जिसमें कि आप रेमेडीज बताओगे, ठीक है, कॉम्पेंसेशन बताओगे, फाइन के बारे में डिस्कशन होगा, पेनल्टीज होंगी, इम्प्रिजनमेंट के बारे में होगा, तो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखकर एक लॉ बनाना है। तो वो क्या करते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स है ना, वो क्या करते हैं, वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट मतलब ऐसा समझो कि एक रफ में एक ड्राफ्ट बनाते हैं, रफ बुक जैसा हमारा रहता है ना, वैसा एक ड्राफ्ट बनाते हैं, जिसको हम रूल बुक भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम बिल भी कहते हैं। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ, ये बिल को पार्लियामेंट में रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसको ड्राफ्ट कहते हैं, रूल बुक कहते हैं और बिल भी कहते हैं, ठीक है। सो ऐसा उन्होंने बनाया, ठीक है, फिर उसमें वो क्या करते, वो एक्सपर्ट्स सारी चीजें मेंशन करते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो क्या होगा, कौन फॉल्ट पे रहेगा, कितना पेनल्टी रहेगा, कितना फाइन रहेगा, फिर इम्प्रिजनमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा तो कितने मंथ्स के लिए रहेगा, और अगर कोई बंदा मर जाता है एक्सीडेंट में तो उसके फैमिली को हमको क्या कंपेंसेशन देना है, ये सारी चीजें उन्होंने क्या की, वो एक्ट में सम अप कर दी, सारी चीजों को एक साथ लाया और वो बिल बना दिया। फिर ये बिल आपका जो है वो जाता है लोकसभा में, ठीक है, पार्लियामेंट में जाता है, इन शॉर्ट फिर पार्लियामेंट में जाता है, वो लोकसभा में, लोकसभा में फिर उसमें जो मिनिस्टर्स है आपके, वो सारे वो बिल को पढ़ते हैं, उसके उसको गो थ्रू करते हैं, और फिर वो बिल का प्रेजेंटिंग होता है लोकसभा में। फिर लोकसभा के मेंबर्स अगर उससे अग्रीड है, उन सबको लगता है कि नहीं बहुत अच्छी तरीके से लॉ बनाया गया है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, तो वो सारे के सारे ऑन मेजोरिटी बेसिस उसको अप्रूव कर देते हैं। अगर मेजोरिटी उसको अप्रूव करते हैं तो फिर वो राज्यसभा में जाता है, और अगर मेजॉरिटी उसको डिसअप्रूव करते हैं, उनको लगता है कि नहीं कुछ चीजें गलत है, कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो वो फिर से एक्सपर्ट्स के पास जाता है, उसमें चेंजेस करते हैं एक्सपर्ट्स, और फिर से वो आता है लोकसभा में, फिर अगेन लोकसभा विल गो थ्रू इट एंड मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर्स विल पास इट एंड विल गिव इट टू राज्यसभा, ठीक है। फिर राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा अगेन डज द सेम थिंग, उसको पूरा गो थ्रू करती है, उसके ऊपर मिनिस्टर्स का डिस्कशन होता है, और अगर उनको सही लगता है, ठीक है, उनको सही लगता है कि नहीं अभी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, पूरा सही तरीके से बनाया गया है, तो वो भी उसको अप्रूव करते हैं, लोकसभा अप्रूव करता है, फिर राज्यसभा अप्रूव करता है, और दोनों के अप्रूवल के बाद वो आखिर में जाता है आपके प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाता है आखिर में? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट अपना असेंट देता है, अपना कंसेंट देता है, और बोलता है कि ये जो लॉ बनाया है वो एकदम अप्रोप्रिएट है, मतलब वो भी गो थ्रू करते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, वो उसको पूरे आपके बिल को गो थ्रू करेंगे, अगर उनको लगता है कि पूरा सही है तो वो अपना कंसेंट देते हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ चीजें गलत है, कुछ चीजें सही है, या फिर कुछ चीजों में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो वो फिर से रिजेक्ट करके एक्सपर्ट्स के पास जा सकता है। लेकिन अगर उनके नॉलेज में वो पूरा सही है, आफ्टर डिस्कसिंग विद अदर मिनिस्टर्स इवन, अगर उनको लगता है कि पूरा लॉ सही से बना है, तो वो क्या करते हैं, अपना असेंट देते हैं, अपना कंसेंट देते हैं, और जब मिस्टर प्रेसिडेंट अपना कंसेंट देते हैं ना वो बिल को, तभी ही वो बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है। दिस इज द वे हाउ एनी ऑफ योर एक्ट इज मेड, मतलब अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारों के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाइड है, ठीक है। अगर रिसेंटली मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो करंट गवर्नमेंट ने बिल पास किया था ट्रिपल तलाक का, ठीक है, फिर ट्रिपल तलाक पे भी सेम प्रोसीजर हुआ था, सारी चीजें बनाई गई थी लोकसभा में, अप्रूवमेंट राज्यसभा, फिर मिस्टर प्रेसिडेंट, ये सारा ट्रिपल तलाक के वक्त भी हुआ था। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही कोई भी एक्ट जो है वो बनता है, दिस इज द प्रोसीजर टू मेक एनी काइंड ऑफ एक्ट, ठीक है, क्लियर है। So today we'll be stopping here. If you like my video, please like it.
फील फ्री टू कमेंट. अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस है, कुछ डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड यू कैन ऑल्सो शेयर माय लेक्चर एंड ऑल्सो कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. बाय.